झंडूता के विधायक जीतराम कटवाल ने 16 मार्च को प्रस्तावित मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बिलासपुर दौरे के दौरान बागछाल पुल के शुभारंभ करने को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सीएम जल्दबाजी में इसका लोकार्पण करने जा रहे हैं, जबकि अभी तक इस पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। वहीं स्थानीय विधायक होने के नाते उन्हें इसके बारे कोई जानकारी नहीं दी गई। शुक्रवार को बिलासपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक जीतराम कटवाल ने बताया कि वर्ष 2005 में इस पुल का शिलान्यास होने के बाद 2007 में इसका निर्माण कार्य बंद हो गया। उनके विधायक बनने के बाद भाजपा कार्यकाल में 2018 से 2022 तक इसका कार्य करवाया गया, अभी भी इसका कार्य शेष है। ऐसे में इसका आनन फानन में लोकार्पण करना गलत है। आज कुछ पत्रों से या वैसे पता लगा कि मुख्यमंत्री कल बागछाल पुल का लोकार्पण करने आ रहे हैं। अभी तक पुल पूरी तरह से नहीं बना। 2005 में इसका शिलान्यास हुआ था और 2007 में काम बंद हो गया। मेरे विधायक बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान पिछले 18 से लेके 22 तक इसमें पूरा कार्य हुआ और मात्र 10% कार्य बचा हुआ था, वो अब पूरा वो भी नहीं हुआ अच्छे तरीके से। तो ये इस तरीके से मुख्यमंत्री का ऐसे जल्दबाजी में उद्घाटन करना और लोकार्पण करने की तैयारी करना और बिना सूचना के, तो ये प्रश्न चिन्ह मानता हूँ मैं इनकी कार्यप्रणाली पे लोगों को भ्रमित करना। उसके साथ ही जितने भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्य हैं, 16 सड़कें हैं पिछले कार्यकाल की भी, उनको सभी को लोकार्पण करने को चले, भूमि पूजन करने को चले, वो स्थानीय MP जो होता है उसका काम होता है, उसकी सहमति के बिना वो नहीं होता। तो मेरे जो सूचना है उसके अनुसार माननीय सांसद महोदय को भी, जो कि मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, उनको भी इसके बारे में कोई जानकारी पुख्ता नहीं है। और ये जल्दबाजी में जल जीवन मिशन के सारी सड़कों के भूमि पूजन, शिलान्यास, लोकार्पण, ये ऐसे चोर दरवाजे से करने की जो वृत्ति है, प्रवृत्ति है, वो गलत है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये सब रिव्यू होंगे और होने चाहिए, क्योंकि ये जिस सरकार ने काम किया और जो काम अभी इन्होंने कोई बजट तक नहीं दिया पिछले एक वर्ष में, 1/3 बजट मेरे चुनाव क्षेत्र में भारी कटौती लगी, जो पहले बजट था उससे 1/3 भी नहीं दिया, सारी स्कीमें अधूरी पड़ी, और उनका लोकार्पण करना एक जनभावना के खिलाफ है। तो मैं इसका अपना एक जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री महोदय को परामर्श देता हूँ कि इस तरीके का कार्य उनको नहीं करना चाहिए। जब पूरे हो जाए कार्य ठीक तरीके से, तब इसका लोकार्पण जो भी होगी मौके की सरकार और विधिवत तरीके से, और जो अपेक्षित होते हैं विधायक के नाते मुझे कोई सूचना नहीं है, सांसद महोदय को कोई सूचना नहीं है, और ये काम जो हैं जनता के हैं, तो जनता को काम कोई एक पार्टी के या एक ग्रुप के या किसी ठेकेदारों के नहीं है जो कि ये सारा कुछ करवा रहे हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।